हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो संशोधित रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, 10 से 15 दिन पहले आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा होगा और PNP सचिव के द्वारा भी कहा गया था कि 10 जुलाई के बाद कभी भी जो जूनियर एडेड का संशोधित रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 10 जुलाई हमारी निकल चुकी है, आज हो गई 11 जुलाई, और जो अभी तक की जो सूचना है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि PNP की तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसे में अब शासन की जब मंजूरी मिलेगी तभी वहाँ से रिजल्ट जारी होगा। और आप लोगों ने कई बार देखा हो, पहले भी आप पिछले दो तीन साल से लगातार चीज़ों को देख रहे होंगे कि PNP अक्सर ये करता है कि जो नोटिस भेजता है और शासन मंजूरी नहीं देता है, फिर भेजता है, फिर नहीं मिलती है, इसको करते करते बहुत लंबा समय खींच सकता है। ठीक है, तो इसको लेकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कल महाधरने का आह्वान किया गया है। हम सबकी यही पुकार, जूनियर एडेड भर्ती पूरी करे सरकार, 46,000 छात्रों का भविष्य संकट में, हमारी भर्ती पूरी करे। और कहाँ है, 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार, स्थान कहाँ है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP पे है। ठीक है, सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में PNP प्रयागराज पहुँचे। ठीक, तो यहाँ पर कल एक महाधरना रखा गया 12 जुलाई 2022, जो लोग इसमें परीक्षा में पास हो चुके हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को जाना चाहिए धरने में और अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। अपनी आवाज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे तो एक दबाव बनेगा और चांसेज होंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो प्रक्रिया है वो कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी बहाने कम से कम एक ही भर्ती कम से कम कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आप लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइएगा और इस धरने को सफल बनाइए, और उम्मीद करते हैं कि जुलाई में ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और अगस्त तक आपकी नियुक्ति भी मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।